अस्सलाम वालेकुम। कराची में बेलगाम गाड़ियों ने 3 अफराद की जान ले ली। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से माँ और बेटा जाबाक हुए। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं, खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए दिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चलें कि कराची में बेलगाम गाड़ियों ने 3 अफराद की जान ले ली। सुपर हाईवे पर सड़क पार करने वाले माँ बेटे को तेज रफ्तार कार ने रौंद डाला। हादसे के बाद बेकाबू कार खंभे से जा टकराई। पुलिस ने कार ड्राइवर सुफियान को गिरफ्तार कर लिया। जाबाक माँ की शनाख्त यास्मीन और बेटे की 6 साल मुजम्मिल के नाम से हुई। बदकिस्मत माँ बेटा लाड़काना से शादी में शिरकत के लिए कराची आए थे। दूसरे हादसे में शारा पाकिस्तान पर वाटर पंप फ्लाईओवर पर डंपर और ऑयल टैंकर की रेस ने खातून की जान ले ली। हुमेरा नामी खातून शोर के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में खातून जाबाक और शोर जख्मी हुआ। हादसे के बाद ड्राइवर डंपर छोड़कर फरार हो गया, जिसे मुश्तइल अवाम ने जलाने की कोशिश की।